जय हिंद। भारत माता के वीर सपूतों, आगामी सेना के जवानों, स्वागत करते हैं आपका हमारे अपने YouTube चैनल आर्मी तैयारी पर। तो आज मैं आपके बीच इंडियन आर्मी टेक्निकल के 1 नवंबर 2020 के क्वेश्चन पेपर का पार्ट 1 लेकर आया हुआ हूं। देखो, ये जो हमारा 1 नवंबर 2020 का पेपर है, ये हमारा ARO दानापुर का है। ये हमारा दानापुर जोन का टेक्निकल का क्वेश्चन पेपर होने वाला है। तो आज के हम सब पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक देख लेंगे। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें और अपने ट्रेड्स की क्लासेस भी अटेंड करते रहें। अब देखिए, अगर इस पेपर की बात की जाए, ठीक है, कि इस बार जो पेपर आया था उसका लेवल क्या था, तो देखो भाई लोग, टेक्निकल वालों का ये जो पेपर है ना, काफी इजी लेवल का इस बार दिया गया था, ठीक है। टेक्निकल, हाँ, नर्सिंग असिस्टेंट की जो पेपर आई थी, मैंने जबलपुर ट्रेड की अपलोड की हुई है, उनकी काफी टफ गई थी। उनकी बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री सेक्शन से जो करीब 15-15-30 सवाल आते हैं, वो काफी टफ था। लेकिन आपका जो है टेक्निकल का, ये दानापुर जोन का पेपर है, तो सारे जोन के एक ही लेवल होते हैं, कोई अलग लेवल नहीं होता है। तो इस बार का जो लेवल रहा है टेक्निकल क्वेश्चन पेपर का, वो काफी इजी रहा है, बिल्कुल भी टफ नहीं दिया गया है क्वेश्चन। बस देखो, मेरा कहना आपसे ये है कि यदि आप टेक्निकल वाले स्टूडेंट हो, ठीक है, तो केवल ऐसा मत करना, केवल टेक्निकल के ही वीडियोस देखना, केवल टेक्निकल के ही प्रीवियस ईयर क्लासेस करना। आप ऐसा करो कि आप सारे ट्रेड्स की प्रीवियस ईयर क्लासेस को अटेंड करो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखो भाई, जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सभी की जो लेवल है, जो सिलेबस है, वो सेम है हर एक ट्रेड की। बस केवल अंतर होता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस में, जैसे कि किसी के बायोलॉजी ज्यादा आते हैं, किसी के फिजिक्स ज्यादा आते हैं, किसी के मैथ ज्यादा आते हैं, किसी के जीके ज्यादा आते हैं, लेकिन सभी की जो सिलेबस है, सभी की जो लेवल है, वो बिल्कुल सेम ही है। तो इसलिए कोशिश ये किया करो कि चाहे जीडी की क्लास प्रीवियस ईयर आप पर आए, या ट्रेडमैन पर आए, या नर्सिंग असिस्टेंट पर आए, या क्लर्क पर, या वुमेन मिलिट्री पुलिस पर, सभी की क्लासेस को अटेंड करो। क्यों? क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि किसका पूछ देगा। जैसे आपका ये जो अभी दानापुर का पेपर आया हुआ है, ये मैंने देखा करीब 37-38 क्वेश्चंस इसमें ऐसे दिए गए हैं जो कि पहले ही मैंने किसी ना किसी ट्रेड पर इन्हें बता दिया है, ठीक है। मैं मैथ की बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैथ तो टॉपिक वाइज होता है, आप सब भी जानते हो। लेकिन जो अनदर आपके मैथ को छोड़कर जो 35 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, तो 35 पे ही अगर लेके चलेंगे, तो 35 में से करीब 30-32 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो कि मैंने किसी ना किसी ट्रेड की क्लासेस में, वीडियो में बताई हुई थी। मैं नहीं बोल रहा कि टेक्निकल में ही, बिल्कुल नहीं, टेक्निकल वाला का ही टेक्निकल से नहीं आता है, वो किसी ना किसी, जैसे जीडी को कुछ क्वेश्चन उसमें से बताई हुई थी, कुछ क्वेश्चन आया हुआ था आपका ट्रेडमैन का, कुछ क्वेश्चन आया हुआ था नर्सिंग असिस्टेंट का, और उन्हीं में से मिलजुल कर ये आ गया था। अब देखो, मेरे जैसे जिन्होंने भी टेक्निकल की क्लासेस की थी, तो उनको अभी मैंने चैनल पे अबाउट सेक्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो उनमें से 7-8 बंदे ऐसे थे जिन्होंने क्लास की थी आपकी, सारी की सारी ट्रेड्स की उन्होंने क्लासेस अटेंड की थी। तो उन्होंने कमेंट किया और उन्होंने कहा कि सर, ने करीब 42-43 क्वेश्चन को टच किया, 42-43 क्वेश्चन। लेकिन उसमें 2-3 बंदे ऐसे थे जिन्होंने केवल अपनी टेक्निकल की क्लास अटेंड की, तो उनकी 30-35 के बीच में स्कोर रह गई। इसलिए कोशिश करो कि सारी की सारी ट्रेड की क्लासेस को अटेंड की जाए, ठीक है, ताकि जितना ज्यादा उसके उतना ज्यादा मार्क्स आपका ग्रोथ पकड़ सके। तो चलिए, आज की क्लास शुरू कर लेंगे। और अगर क्लास पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर जरूर कर दिया करें। तो चलिए, आज की क्लास शुरू कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि टीपू सुल्तान कहां का शासक था, ए बंगाल, बी हैदराबाद, सी कर्नाटक, या फिर डी मैसूर। तो देखिए, टीपू सुल्तान जो है वो मैसूर का शासक था। कहां का था? तो टीपू सुल्तान जो है मैसूर का शासक था। चलिए, हम सभी क्वेश्चन नंबर 2 दो नंबर सवाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दो नंबर सवाल दिया गया है, वे कौन भारतीय थे जो भारत के गवर्नर जनरल बने थे। बताना है कि इनमें से कौन से भारतीय थे जो कि भारत के गवर्नर जनरल बने थे। ए इस्कंदर अली मिर्जा, बी जवाहरलाल नेहरू, सी बी आर अम्बेडकर, या फिर डी सी राजगोपालाचारी। तो देखिए, सी राजगोपालाचारी थे जो कि भारत के गवर्नर जनरल बने थे, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बने थे भारत के, और वो कौन है? तो वह सी राजगोपालाचारी। चलिए, हम सभी क्वेश्चन नंबर 3 तीन नंबर सवाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तीन नंबर सवाल दिया गया, निम्न में से किसे संसद का सिर कहा जाता है, लाइन ऑफ पार्लियामेंट निम्न में से किसे कहा जाता है। ए अटल बिहारी वाजपेयी, बी जयप्रकाश नारायण, सी लाला लाजपत राय, या फिर डी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो देखिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पार्लियामेंट ऑफ लायन, ठीक है, मतलब कि संसद का सिर कहा जाता था। किसे? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लायन ऑफ पार्लियामेंट, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को
संसद का शेर कहा जाता था। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 4 चार नंबर सवाल देख लेंगे। और चार नंबर सवाल दिया गया है, शून्य काल का समय क्या है? बताना है कि शून्य काल का समय किसे कहा जाता है। ए सुबह के 1 बजे, बी बिस्तर से उठने का समय, सी सोने का समय, या फिर डी संसद में प्रश्न काल के बाद का समय। शून्य काल का समय किसको कहते हैं? तो देखिये, शून्य काल का समय जो है वो संसद में प्रश्न काल के बाद के समय को कहा जाता है। किसे? तो ऑप्शन नंबर डी, संसद में प्रश्न काल के बाद के समय को शून्य काल कहते हैं। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 5 और जीके सेक्शन का आखिरी क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि आपके 5 ही क्वेश्चन आते हैं जीके से। चलिए देख लिया जाए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पांच नंबर सवाल दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां स्थित है? बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पर है? ए न्यूयॉर्क, बी पेरिस, सी नई दिल्ली, या फिर डी लंदन। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ UNO का मुख्यालय जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए न्यूयॉर्क में है। कहां पे है? तो ए न्यूयॉर्क में है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक हमारा रीजनिंग सेक्शन होगा, क्योंकि आपका टोटल 6 से लेकर 10 तक टोटल 5 क्वेश्चन रीजनिंग से आया है। तो चलिए देख लिया जाए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 6 नंबर सवाल दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से क्रम को पूरा करें। ठीक है, यहाँ पे एक सीरीज दिया गया है, क्रम दिया गया, बताना है कि इस स्थान पर कौन सी संख्या होगी, इन चारों में से कौन सा यहाँ पे बैठेगा। तो चलिए, जो क्रम दिया गया ना, पहले उसे आराम से लिख लेंगे। क्या क्या दिया गया? 1/2, फिर दिया गया है 3/4, फिर है 5/8, फिर है 7/16। अब हमें यहाँ पर पता करना है कि क्या होगा। तो देखोगे ध्यान से, तो ऊपर वाला हमें पहले देखते हैं, पहले अंश को देखते हैं, पहले नॉमिनेटर को देखते हैं, फिर डिनोमिनेटर देखेंगे, पहले अंश फिर हर। अंश में देखो तो यहाँ 1 था, 1 बढ़ाकर 2 जोड़ा 3 कर दिया, यहाँ पे भी 2 जोड़ा 5 कर दिया, फिर 2 जोड़ा 7 कर दिया। तो अब क्या करेंगे, इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा। समझ में ना बात को, यहाँ पे 1 था, इसमें 2 जोड़ा तो 3 आ गया, फिर यहाँ पे 2 जोड़ा तो 5 आ गया, फिर यहाँ पे 2 जोड़ा तो 7 आ गया। वैसे अब फिर इसमें 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो गया 9। अब ध्यान से देखोगे तो ये 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, यहाँ भी देखो +2 हो रहा था, ऊपर में +2 हो रहा है, ऊपर में +2 हो रहा है, लेकिन नीचे ध्यान से देखोगे तो मल्टीप्लीकेशन विथ 2 हो रहा है, 2 से गुना हो रहा है। कैसे हो रहा है देखो ध्यान से, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 दूनी 32, तुम्हारा राइट आंसर आ रहा है 9/32, ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 8 7 नंबर सवाल देखेंगे। और अगर आपको देखो टेक्निकल के सिलेबस को और डीपली तरीके से जानना हो, ठीक है, अगर आपको टेक्निकल के सिलेबस को जानना हो कि क्या होती है टेक्निकल के सिलेबस, तो उसके ऊपर मैंने एक अलग सी वीडियो बनाई हुई है, आई बटन पर अभी आपको एक लिंक मिला होगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर उस लिंक को देख सकते हो, जिसमें मैंने दिया हुआ है टेक्निकल के नई सिलेबस को बताया हुआ है, जो कि इस साल का टेक्निकल का सिलेबस है। क्या होती है टेक्निकल की सिलेबस, एक बार जाकर जरूर देख लेना, कितनी मार्क्स मिलती है, क्या बोनस मार्क्स होता है, क्या निगेटिव मार्किंग होती है, कितने मार्क्स पे पास करते हैं, कितनी मार्क्स लानी होगी, सारी की सारी जानकारी उस वीडियो में दी हुई है, तो एक बार चेक जरूर करना। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 7 7 नंबर सवाल देख लेंगे। 7 7 नंबर सवाल दिया गया है, यदि पी का मतलब प्लस, क्यू का मतलब मल्टीप्लीकेशन गुना, टी का मतलब भागा डिवाइडेशन, तथा वी का मतलब माइनस घटाव है, तो हल करें 18P12T4Q8V10। समझ गए, चलो पहले जो दिया गया उसको लिखते हैं, काफी लंबा इसमें बात बोला गया, उसको ध्यान नहीं रखेंगे, पहले जो क्वेश्चन दिया गया उसको आराम से लिख लेंगे। क्या दिया गया? 18P12T4Q8V10, यही दिया गया है ना। क्या करेंगे, 18P का मतलब क्या है, P का मतलब जोड़, तो हो गया प्लस, फिर क्या है 12, और फिर है T का मतलब क्या है, T का मतलब भागा, यहां पे क्या हो गया, T की जगह पे भागा हो जाएगा, अब 4 तो 4 हो जाएगा। इसके बाद देखो Q का मतलब क्या है, तो Q का मतलब गुना, तो गुना हो गया, फिर है 8, तो यहाँ पे 8 लिख लेंगे, और उसके बाद देखो भी, ठीक है, तो भी का मतलब क्या है, तो भी का मतलब है घटाओ, तो हो गया यहाँ पे घटाओ, और फिर है 10। समझ गया, केवल उनका चिन्ह पुट किया, जिसके बराबर जो बोला गया था वही लगाया हुआ है, ज्यादा कुछ नहीं किया है। तो चलो अब क्या है, बोर्ड मास हो गया, बोर्ड मास में यदि जोड़ घटाओ गुना भागो तो पहले भाग करते हैं, ठीक है, तो 18 प्लस 4 से भाग देंगे 12 में, कितना बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा, और गुना 8 माइनस 10, भाग के बाद क्या करते हैं, तो भाग के बाद आपसे मालूम है भाग के बाद गुना होता है, तो 18 गुना करेंगे तो 8 3 की 24 माइनस 10, अब इधर चल रहा हूं,
अब क्या हो जाएगा, तो उसके बाद फिर जोड़ते हैं, यदि गुना हो गया और यदि जोड़ और घटाओ के और बोर्ड मास में हो तो जोड़ा जाता है सबसे पहले, तो 18 और 24 कितना हो गया, तो 8 4 12 का 2 हासिल, 1 रहा, 2 और 1 3 और 1 हो गया 4, 42 हो गया 42, और साथ में माइनस 10, तो 42 माइनस 10 कितना हो गया, तो ये हो गया आपका 32, ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 8 8 नंबर सवाल कर लेंगे। आठ नंबर सवाल दिया गया, यदि ए ए टी इक्वल टू 20, बी ए टी इक्वल टू 40, तो सी ए टी इक्वल टू व्हाट, ठीक है, तो जो दिया गया पहले उसे लिखेंगे। ए ए टी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, तो देखो यहाँ पे कैसे ए का मान होता है 1, ठीक है, फिर ये गुना किया है, फिर से ए का मान कितना होता है 1 होता है, ए 1 होता है, और टी टी का कितना होता है, टी कितनी संख्या पर होता है, तो टी का मान होता है 20, टी 20वीं संख्या पर होता है, अल्फाबेटिकल में 26 लेटर होता है, आप सभी जानते हो, तो 20वीं संख्या पर ये होता है, तो एक गुना एक गुना एक गुना जब आप करोगे तो ये कितना हो गया, बीसी आएगा, तो ए ए टी हो गया, अब है आपका बी ए टी इक्वल टू 40, तो इसको भी तोड़ेंगे, देखो ये कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर से दिया गया, ठीक है, ये हम लोग डिकोड कर रहे हैं, तो बी ए टी, बी कितनी संख्या पर होता है, तो बी दूसरी संख्या पर होता है, गुना ए कितनी संख्या पर होता है, ए पहली संख्या पर होता है, और फिर से टी, टी कितनी संख्या पर होता है, टी 20वीं संख्या पर होता है, और बी ए टी इक्वल टू 40 है, ठीक है, तो कितना हो गया, दो एकम दो और दो 20 में गुना करेंगे तो हो गया 40, ठीक है, 2 20 40, अब लास्ट में एक दिया गया है सी ए टी, ठीक है, तो सी की संख्या कितनी होती है, सी कहां स्थान पर होता है, तो तीसरी स्थान पर होता है, ए का हो गया 1 और टी हो गया आपका 20वां स्थान पर, तो सी, तो 20 दिया कितना हो गया 60 हो गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 9 नंबर सवाल कर लेंगे। 9 नंबर सवाल दिया गया, दिए गए विकल्पों में क्रम को पूरा करें, हमें इस ये जो दिया गया है ये पूरा सीरीज, ठीक है, दिए गए विकल्पों में इन इन विकल्पों से ही हमें इस यहाँ पे कुछ लगाना है और इस क्रम को पूरा कर देना है, हमें सीरीज दिया गया और बताना है कि यहाँ पर कौन सा संख्या होगा, तो चलिए पहले जो सीरीज दिया गया उसे आराम से लिख लेंगे, एफ जे के पी, फिर दिया गया आपका आई एल एम क्यू, फिर दिया गया है एल एन ओ आर, और लास्ट में दिया गया है ओ पी क्यू एस, और हमें यहाँ पर जो है पता करना है क्या होगा, तो देखिए पहला संख्या को लेते चलेंगे, ठीक है, ये क्या था एफ, पहला मिलाएंगे, ठीक है, यहाँ पे आपका एफ है, ये आई है, ठीक है, तो एफ, एफ के बाद क्या था जी एच, तब आया आई, वैसे यहां से अब एल लेंगे तो आई के बाद देखो जे के, तब आया एल, अब यहाँ पे एल है तो L के बाद फिर M, N, तब आता है O, और O के बाद क्या होगा P, Q, तब यहाँ पे पहला संख्या होगा R, अगर ना समझो तो देख लो पहला संख्या को मिला रहे, ठीक है, पहला संख्या चलेंगे, कोडिंग डिकोडिंग से ये भी क्वेश्चन दिया गया है, तो पहला क्या है यहाँ पे F है और यहाँ पे I है, तो कितना डिफरेंस हुआ दोनों के बीच में, तो F के बाद क्या हो रहा है जी एच, दो का डिफरेंस हुआ जी और एच का, तब आया आई, और फिर यहां से पहला में चलेंगे आई के बाद क्या होता है जे के, तब जाके होगा एल, तो डिफरेंस हो गया यहाँ पे भी दो डिजिट का जे और के का, अब एल के बाद यहाँ पे है ओ, एल के बाद यहाँ पे क्या है ओ है, तो एल के बाद एम एन, तब आता है आपका ओ, अब ओ के बाद क्या होगा, तो ओ के बाद पी क्यू, तब आएगा अगला डिजिट, और पी और क्यू के बाद अगला डिजिट कौन सा होता है आप सभी जानते हो, तो पी और क्यू के बाद अगला डिजिट होता है आर, ठीक है, तो फर्स्ट डिजिट हमारा कौन सा हो गया आर हो गया, अब इसको मैं मिटा दूंगा, समझ चुके होगी इसको मैं इरेज कर रहा हूं, पहला डिजिट से मिलाया है, दो छोड़ छोड़ के पहला डिजिट को पूरा किया गया था, तो वही किया है, दो अंक छोड़ छोड़ के पहला डिजिट को पूरा कर लिया हमने, चलो अब आगे देखेंगे कि आगे क्या होगा, अब सेकेंड डिजिट से लेंगे दूसरी डिजिट से, तो क्या है जे, जे के बाद है एल, तो जे के बाद कितना डिजिट छोड़ा गया याद करो, जे है और यहाँ पे सेकंड में एल है, तो जे के बाद एक छोड़ा गया के, अब यहाँ पे एल है, एल के बाद एन है, तो एल एम, तब आता है एन, तो एन छोड़ा गया, और फिर है एन, एन के बाद क्या है पी, तो एन के बाद ओ पी, तो यहाँ पे क्या छोड़ा गया आपका ओ छोड़ा गया, ठीक है, ओ छोड़ा गया, अब यहाँ पे पी के बाद अगले डिजिट में चलेंगे, तो पी के बाद अगला कौन सा होगा, तो एक छोड़ देंगे, तो पी के बाद क्या होता है, पी के बाद क्यू, क्यू छोड़ेंगे और अगला डिजिट लिखेंगे, तो अगला डिजिट हो गया आर, तो हमारा आर आर, और देखेंगे ऑप्शन में कहीं पे आर आर है, तो देखो आर आर केवल एक ही ऑप्शन में है और वो है ऑप्शन नंबर बी, तो देखिए आपके एग्जाम में बहुत कम समय होता है, अगर पूरा चलेंगे तो आर आर एस टी आ जाएगा, लेकिन आपके एग्जाम में काफी कम समय होता है, तो जैसे ही कोई भी ऑप्शन मिल जाए पड़ाक से उसको एकदम तुरंत जो है उस पर कर देने का, तुरंत जल्दी से उस ऑप्शन को टिक कर देंगे, क्योंकि आपका समय बहुत कम है आर्मी के एग्जाम में, लेकिन चलिए हम सब पूरा करेंगे, हम सब छोड़ने वाले नहीं है, अब क्या है देखो के है,
के है आपका, तो क्या होता है के है और के बाद, चलो के और ये थर्ड डिजिट चल रहा है, के बाद कितना होता है, के बाद दिया हुआ है एम, तो के एल तब आता है एम, तो यहाँ पे एक डिजिट छोड़ा गया, एम है यहाँ पे और यहाँ पे है ओ, तो एम के बाद देखो एक डिजिट छोड़ा गया और वो है एन, एम एन ओ एन छोड़ा गया है। अब ओ के बाद फिर थर्ड में चलेंगे तो ओ के बाद है क्यू, तो एम एन ओ पी तब आता है क्यू, पी के बाद आता है क्यू, ओ और क्यू के बीच में है पी, तो छोड़ा गया आपका पी। अब क्यू के बाद वैसे ही करेंगे एक डिजिट छोड़ के थर्ड डिजिट लिख देंगे, तो क्यू के बाद एक पर, उसके बाद क्यू के बाद क्या होता है, तो पी क्यू, क्यू के बाद होता है आर और आर के बाद होता है एस, तो हम लोग एक डिजिट छोड़ के लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे एस और छोड़ा क्या है हमने, तो छोड़ा है हमने आर। चलिए अब इसको फिर से इरेज करेंगे और अब लास्ट डिजिट की ओर बढ़ेंगे, अब लास्ट डिजिट देखो पी, ठीक है, तो एम एन ओ पी, पी के बाद आता है क्यू, जस्ट नेक्स्ट डिजिट है, क्यू के बाद पी क्यू, क्यू के बाद आता है आपका आर, आर के बाद क्या आता है, आर के बाद आता है एस, तो उसी तरह एस के बाद क्या आएगा, तो एस के बाद नेक्स्ट डिजिट जस्ट हो जाएगा आपका टी, तो आर आर एस टी, हमारा राइट आंसर क्या हो गया, आर आर एस टी, ये हमारा राइट आंसर हो गया आर आर एस टी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 10 और रीजनिंग सेक्शन का आखिरी क्वेश्चन 10 नंबर सवाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 10 नंबर सवाल दिया गया है, दिए गए विकल्पों में रिक्त स्थान को भरे, ठीक है, हमें आप एक सीरीज दी गई है, इस सीरीज में जो रिक्त स्थान है उसे हमें दिए गए विकल्पों में से भर देना है। चलिए पहले जो सीरीज दी गई है, जो श्रेणी दी गई है उसे लिख लेंगे, 22 21 23 22 24 23 और फिर वॉट, देखोगे अगर ध्यान से इस चीज को, ठीक है, तो पहले 22 है, पहले ज्यादा लिखा उसमें से फिर एक घटाया है, ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया है, तो आपका अगर फिर से लोगे तो अगर इसी तरीके से हम लोग चलते रहेंगे, अगर इसी तरीके से चलते रहेंगे तो देखो पहले 22 ले लेते हैं, ठीक है, 22 यहाँ पे क्या हुआ प्लस 1 और 21 लेते हैं, 21 से 22, ठीक है, यहाँ पे भी क्या हो गया, तो यहाँ पे भी हो गया आपका क्या, तो प्लस में 1, ठीक है, प्लस 1 हो गया यहां तक हमारा। अब देखो फिर क्या किया, फिर क्या किया, तो फिर से देखो यहाँ पे 22 था आपका, ठीक है, यहाँ पे आपका कितना था 22 था और ये आपका 23, यहाँ पे भी क्या हो गया प्लस 1 और यहाँ पे 24 था और यहाँ पे वॉट का चिन्ह, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी क्या होगा, तो यहाँ पे भी आपका होगा प्लस 1, तो 24 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो गया 25 हो गया, ऑप्शन नंबर ए, तो मेरा राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर ए और वो क्या है 25। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 11 देख लेंगे, ठीक है, 10 तक हमारा कंप्लीट हो गया, यहाँ पे हमने रीजनिंग सेक्शन कंप्लीट कर लिया है, हमारे क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 25 तक, क्योंकि आपके 15 क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स सेक्शन से, तो क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 25 तक हमारा फिजिक्स सेक्शन होगा। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 11 नंबर सवाल दिया गया है, एक तीव्र गति से जाती हुई ट्रेन में गैस से भरा हुआ डिब्बा रखा जाता है, तो गैस का ताप बताना है कि एक तीव्र गति से जाती हुई ट्रेन में यदि गैस का भरा हुआ डिब्बा रखा जाता है तो गैस का ताप क्या होगा, ए गिरता है, बी बढ़ता है, सी ऊपर नीचे होता रहता है या फिर डी अपरिवर्तित रहता है। तो देखिए एक तीव्र गति से जाती हुई ट्रेन में यदि गैस से भरा हुआ डिब्बा रखा जाएगा तो उसका ताप जो है वो बढ़ेगा, क्या होता है उसका ताप बढ़ेगा, उसका ताप बढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी और वो क्या है भाई, तो वो है आपका बढ़ता है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 12 नंबर सवाल कर लेंगे, नंबर 12 नंबर सवाल दिया गया, इनमें से कौन सी मात्रा अदिश राशि है, बताना है कि यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सी मात्रा जो है वो अदिश राशि है, ए भार, बी बल, सी धारा या फिर डी वेग। तो देखो भार जो है वो सदिश है भाई लोग, बल जो है ये भी आपका सदिश है, वेग जो है ये भी आपका सदिश राशि है, तो बचा कौन, धारा, जी हाँ धारा एक अदिश राशि है, ऑप्शन नंबर सी धारा। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 13 नंबर सवाल कर लेंगे, नंबर 13 नंबर सवाल दिया गया, त्वरण की इकाई क्या है, बताना है कि एसआई यूनिट त्वरण की इकाई क्या है, ए न्यूटन, बी जूल, सी मीटर पर सेकेंड या फिर डी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए त्वरण की इकाई जो है वो है आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी और वो क्या है, तो वो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको इस तरीका से भी लिखते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ये होता है त्वरण का एसआई मात्रक, त्वरण की इकाई ये है। चलिए सभी क्वेश्चन नंबर 14 नंबर सवाल कर लेंगे। 14 नंबर सवाल दिया गया, बेरोमीटर में पारा का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि, देखिए बेरोमीटर एक मापन यंत्र है, इसमें जो मापने का जो इकाई होता है वो पारा होता है, ठीक है, पारा के रूप में पारा होता है उसके अंदर। तो बताना है कि बेरोमीटर में पारा का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। ए, इसका घनत्व ज्यादा है, बी, इसका गलनांक ज्यादा है, सी, इसका क्वथनांक ज्यादा है, या फिर डी, इसका गलनांक कम है। किसका गलनांक ज्यादा है, ठीक है, हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है इसका घनत्व ज्यादा है, दूसरा ऑप्शन है इसका गलनांक कम है, तीसरा ऑप्शन है इसका क्वथनांक ज्यादा है, या फिर डी, इसका गलनांक ज्यादा है। तो देखिए बेरोमीटर में पारा का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसका घनत्व जो है वो ज्यादा है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 15 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर सवाल दिया गया, निर्वात में प्रकाश की गति क्या है। मैं बताना है निर्वात में प्रकाश की गति क्या होती है। ए, 330 मीटर पर सेकेंड, बी, 3×10^3 मीटर पर सेकेंड, सी, 3×10^8 मीटर पर सेकेंड, या फिर डी, 3×10^5 मीटर पर सेकेंड। तो देखिये निर्वात में प्रकाश की गति जो है वो होती है 3×10^8 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी। और वो क्या है, तो वो है 3×10^8 मीटर पर सेकेंड जो है निर्वात में प्रकाश की गति होती है। चलिए अब सभी क्वेश्चन नंबर 16 नंबर सवाल कर लेंगे। 16 नंबर सवाल दिया गया, पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या है। बताना है कि पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है। ए, न्यूटन, बी, वॉट, सी, न्यूटन मीटर, या फिर डी, न्यूटन पर मीटर। तो देखिए पृष्ठ तनाव का मात्रक जो है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन मीटर। क्या होता है, न्यूटन मीटर। और इसको लिखा जाता है कुछ इस तरीके से, न्यूटन मीटर ये होता है पृष्ठ तनाव का मात्रक। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 17 नंबर सवाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर सवाल दिया गया, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। ए, ग्राहम बेल, बी, वॉटसन, सी, जेएल बेयर्ड, या फिर डी, न्यूटन। तो देखिए टेलीविजन का आविष्कार किया था यहाँ के अनुसार जेएल बेयर्ड ने, किसने, तो ऑप्शन नंबर सी, जेएल बेयर्ड। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 18 नंबर सवाल देख लेंगे। 18 नंबर सवाल दिया गया है, गॉस को मापने की निम्न में से इकाई क्या है। गॉस क्या लिखा गया, गॉस लिखा गया है, गॉस को मापने की निम्न में से इकाई क्या है। ए, चुंबकीय तीव्रता, बी, चुंबकीय गति, सी, चुंबकीय प्रेरकत्व, या फिर डी, चुंबकीय संवेग। तो देखिए गॉस को मापने की इकाई जो है वो है चुंबकीय प्रेरकत्व। क्या है, ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर सी है चुंबकीय प्रेरकत्व। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 19 नंबर सवाल देख लेंगे। 19 नंबर सवाल दिया गया है, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है। ए, 646, बी, 700, सी, 500, या फिर डी, 746। तो देखिए एक अश्व शक्ति जो है, एक हॉर्स पावर जो है, एक एचपी इक्वल टू 746 वाट होता है। क्या होता है, 1 HP, एक हॉर्स पावर, एक अश्व शक्ति बराबर जो है 746 वॉट होता है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 20 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर सवाल दिया गया, दूर की वस्तु देखने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ए, एल्यूमिनियम, बी, सूक्ष्मदर्शी, सी, टेलीस्कोप, या फिर डी, दर्पण। देखिए दूर की वस्तु देखने के लिए टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है, किसका, तो ऑप्शन नंबर सी। और हो गया टेलीस्कोप, याद कीजिए जब भी ब्रह्मांड में हमें कुछ देखना होता है, ऊपर आकाश में जब भी हमें कुछ देखना होता है, किसी भी तारे, किसी भी ग्रह, किसी भी दूर की वस्तु को देखना होता है, तो सब टेलीस्कोप का प्रयोग करते हैं। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 21 नंबर सवाल देख लेंगे। 21 नंबर सवाल दिया गया है, एक स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का वजन होता है। ए, 0, बी, द्रव्यमान के बराबर, सी, वजन के 2 गुना, या फिर डी, वजन से कम। तो देखिए स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का वजन जो है वो बिल्कुल 0 होता है जब तक वो गिर रही है, जैसे जब तक वो गिरती रह रही है तब तक जो है उसका वजन जो है 0 है। गिरती हुई पूछा गया मतलब कि अभी गिर रहा है, ठीक है, तो ये गिरते हुए क्रम में उसका जो वजन था वो बिल्कुल 0 होता है। क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए, 0। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 22 नंबर सवाल देख लेंगे। 22 नंबर सवाल दिया गया, एक परिपथ में वोल्ट मीटर सदैव में जोड़ा जाता है। चलो जान लो वोल्ट मीटर से हम किसको मापते हैं, तो वोल्ट मीटर से वोल्ट और विभवांतर को मापा जाता है। किसे, वोल्ट और विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापा जाता है। अब देखिए वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर जो है वो आप किस में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, ऊर्ध्वाधर, या फिर डी, क्षैतिज। तो देखिए वोल्ट मीटर जो है उसको हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए, और वो हो गया समांतर क्रम। वोल्ट मीटर हमेशा समांतर क्रम में ही जुड़ा हुआ होता है।
फिर हम सभी क्वेश्चन नंबर 23-23 नंबर सवाल कर लेंगे। 23-23 नंबर सवाल दिया गया, एक चुंबक की पट्टी के केंद्र पर चुंबकत्व होता है, ए शून्य, बी सबसे ज्यादा, सी सबसे कम, या फिर डी ध्रुव का आधा। तो देखिए, एक चुंबक की पट्टी के केंद्र पर चुंबकत्व जो है वो बिल्कुल शून्य होता है। क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, और वो क्या हो गया? तो हो गया शून्य। चलिए हम सब क्वेश्चन नंबर 24 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर सवाल दिया गया, बर्फ के पिघलने से उसका घनत्व ए बढ़ता है, बी कम होता है, सी आधा होता है, या फिर डी कोई परिवर्तन नहीं। तो देखिए, बर्फ जब पिघलता है तो उसका घनत्व जो है उसके घनत्व में बर्फ जब पिघलता है तो उसका घनत्व जो है उसका जो डेंसिटी है वो बढ़ता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, और वो क्या हो गया? तो बढ़ता है। चलिए हम सभी आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 25-25 नंबर सवाल देख लेंगे। 25-25 नंबर सवाल दिया गया कि भौतिक मात्रा को वाट से मापा जाता है, बताना है कि इनमें से किसकी भौतिक मात्रा को वाट से मापा जाता है, ए बल, बी कार्य, सी शक्ति, या फिर डी दाब। तो देखिए शक्ति, ठीक है, शक्ति की भौतिक मात्रा को जो है वाट से हम लोग मापते हैं। ऑप्शन नंबर सी शक्ति, शक्ति का ऐसा ही मात्रक जो है वाट होता है। चलिए इसी के साथ हमारा जो है आज का क्लास कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 25 तक हमने कर लिया है, जिसमें आज हम सभी ने जीके के 5 क्वेश्चन, रीजनिंग के 5 क्वेश्चन और फिजिक्स सेक्शन के 15 क्वेश्चन जो कि आपके सिलेबस के अनुसार आता है वो हमने कर लिया है। अब आगे जो हमारा पार्ट टू होगा उसमें हम सभी 15 क्वेश्चन करेंगे मैथ के और 10 क्वेश्चन कर लेंगे केमिस्ट्री के, जैसा कि आपके सिलेबस के अनुसार है। तो चलिए कल फिर मिलेंगे आपसे अपने इसी क्लास के पार्ट टू के साथ। तो फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।